वेलकम बैक। हुकूमत पाक चीन राहदारी मंसूबे के खिलाफ साजिश कामयाब होने नहीं देगी, मुकर्ररीन ने यह बात मैनचेस्टर में तकरीब से खिताब में कही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट के ज़ेर इत्माम पाकिस्तानी कमेंट्री सेंटर में अलका एन ए 120 बेगम कलसूम नवाज की कामयाबी पर तकरीब का इनकार किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल, राजा सजाद हुसैन, अरुण खटाना, कौंसलर रतीक रहमान, चौधरी अब्दुल करीम और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बेगम कलसूम नवाज की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही एक वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान की आवाम को हकीकी मायनों में मुश्किल से निकाल सकती है। मरियम नवाज ने अकेले इलेक्शन लड़ा और अल्लाह की मेहरबानी से अवाम की ताकत से फतह नसीब हुई। बिला तकसीस लोगों के कब्जे भी इन्होंने छुड़वाए हैं, बाकी जो छोटे मोटे मसाइल हैं उसकी तरफ इनकी तवज्जो मबजूल है। गवाह किया गया है और भी इसी तरह के जितने केसेस हैं जुबैर साहब ने हल किए हैं। जिन लोगों के भी जो भी मसाइल हैं ओवरसीज के हवाले से तो वो जुबैर गुल साहब से रब्ता कर सकते। छोराका का कहना था कि पाकिस्तान में जब भी हमारे कायद मियां नवाज शरीफ इक्तदार में आए तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करके माशी तरक्की में इनकलाब लाने के लिए इकदाम किए। जो अवाम की ख्वाहिश होती है वो मियाँ साहब उसको पूरी करते हैं। बाजू के बाजू में खड़े होंगे तो वी विल विन दिस इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून जो काम कर चुकी है मुल्क में या जो कर रही है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। द पीपल स्पीक फॉर पाकिस्तान एंड द पीपल हैव वोटेड एंड दे हैव मेड इट यूनानिमस एंड शोड। 2018 के अंदर मुस्लिम लीग फतहयाब होगी। तकरीब में बेगम कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए दुआ मांगी गई। साथी रिपोर्टर जुल्फकार अली मेहर के साथ गुलाम मुस्तफा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर।